गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, आप सभी बच्चे अपनी संस्कृत की बुक निकालेंगे। चैप्टर नंबर 11, सभी बच्चे निकालें। हमने आपको क्या है चैप्टर अच्छे से समझाया था, दो बार इसकी हिंदी आपको अच्छे से समझा दी है। उसके बाद देखिए आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सम्यक उत्तरम चिन्हांकित कुरुते, क्या है सही प्रश्नों के जो प्रश्न दिए गए हैं उस पर टिक का निशान लगाना है, ठीक है। लिखेंगे सम्यक उत्तरम चिन्हांकितम कुरुते, ठीक है, टिक का निशान लगाना है। पहला क्या है हमारा, कस्मिन स्थापितानि क्रांतिकारी परिवर्तन क्वेश्चन क्या है, कस्मिन नगरे कस्मिन स्थापितानि वस्तूनि शीतलानि भवन्ति, किस चीज में वस्तु रखने से ठंडी होती है, तो लिखेंगे फ्रिज यंत्रम, दूरभाष यंत्रम या कंप्यूटर यंत्रम, तो इसमें लिखेंगे फ्रिज यंत्रम। अनेन क्रांतिकारी परिवर्तन अभवत, क्रांतिकारी जो परिवर्तन हुआ है हमारे वो कहाँ पर हुआ है, नगर में क्षेत्र में या गांव में, तो लिखेंगे क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में। आज शिक्षा का जो क्षेत्र है, ठीक है, आजकल जो शिक्षा के क्षेत्र में भी इसके
बहुत महान डैश है, क्या है? भूमिका है, गति है या समृद्धि है? तो लिखेंगे भूमिका। आजकल इसकी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही भूमिका है। सभी डिवाइस लिखे, इसको अपने बुक में फिल करेंगे। सभी ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान आने पूर्यत है, रिक्त स्थानों को पूरा करता है। सबसे पहले क्या है? आधुनिक युगम। आधुनिक युगम अविष्काराणा युगम अस्ति। इदम चलंतर, क्या चलता है आजकल? दूरभाषी यंत्रम, क्या है? जो घर में हम फोन लगवाते हैं वो स्थिर है एक जगह पर। अध्यक्ष अपनी अस्य महती भूमिका, किसकी सबसे ज्यादा भूमिका है? शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र मैदान में। दूरदर्शन वयम विविधान डैश पश्याम श्रृणुमश्चय, क्या है? कार्यक्रमान। सभी लिखेंगे इनको। आगे लिखे संधि विच्छेद, शब्द दिए गए हैं इनका क्या करना है आपको? संधि विच्छेद। संधि विच्छेदम कुरुते, विच्छेदम कुरुते। सबसे पहला शब्द है हमारा युगम अस्ति। तो लिखेंगे युगम जमा अस्ति। आगे है भवन्ति, क्या है? भवन्ति, भाव जमा अंतिम। नंबर 3 है प्रतीक्षारा, तो क्या लिखेंगे? शिक्षा क्षेत्र। शिक्षा क्षेत्र लिखेंगे, शिक्षा प्लस क्षेत्र। उसे आगे है प्रसारित, प्रसारिता, प्रसारिता, तो क्या लिखेंगे? प्रसार जमा इता। ये हमारा संधि विच्छेद है। सभी लिखेंगे अपने बुक में, इसको फिल करेंगे।
सभी फील करें इसको। आगे देखिए, आगे है हमारा वाक्यानि रच्यते। वाक्यों को वाक्य दिए गए हैं, उनके सामने क्या है, आपको एक शब्द दें तो उसका क्या है, आपको वाक्य बनाना है। वाक्यानि रच्यते। जैसे हमने आपको वाक्य दिया गृहे, ठीक है, इसका आपको क्या है, वाक्य बनाना है। लिखेंगे अस्माकं गृहे, विज्ञानी निर्मितानि बहुनी यंत्राणि सन्ति। बहुनी यंत्राणि सन्ति। सभी लिखेंगे। अगला वाक्य है हमारा चलंतर। इदं चलंतर दूरभाष यंत्रम अस्ति। उसके बाद है क्षेत्रेषु। अनेन सर्वेषु क्षेत्रेषु क्रांतिकारी परिवर्तनम् अभवत्। क्रांतिकारी परिवर्तनम् अभवत्। उसके बाद है आकाशे। ए
एतत् दूरदर्शनम्। सभी लिखेंगे इन वाक्यों को अपने बुक में। सभी लिखेंगे इनको फिफ्थ क्लास। सभी बच्चे अपनी कॉपी में इसको अच्छे से फिल करेंगे। सभी बच्चे इसको यहाँ तक फिल करेंगे। उसके बाद हमारा है फाइव क्वेश्चन हिंदी अनुवादम लिखत। हिंदी में अनुवाद लिखिए। अद्य गृहे गृहे अस्य उपयोगः भवति। आजकल घर घर में इसका उपयोग होता है। एतत् प्रतिछाया यंत्रम अस्ति। यह प्रिंटर है। अद्य शिक्षा क्षेत्रे अपि अस्य महती भूमिका अस्ति। आजकल शिक्षा के क्षेत्र में भी इसकी महान भूमिका है। एतत् द्रुतगत्या आकाशे उड़्यते। यह तेज गति से आकाश में उड़ता है। एतत् दूरदर्शनम अस्ति। यह दूरदर्शन है। सभी बच्चे इसकी हिंदी यहाँ तक पांच क्वेश्चन लिखेंगे अपने बुक में इसको फिल करेंगे। फिफ्थ क्लास। यहाँ तक समझ में आया फिफ्थ क्लास। इसके आगे की एक्सरसाइज हम कल करेंगे। ओके फिफ्थ क्लास। थैंक यू।